कि चीन में 15 फरवरी को होने वाली बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली को लेकर सियासी पारा पूरी तरह गर्मा चुका है। रैली से पहले जाट नेताओं की मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत बेअसर साबित हुई नजर आई। वहीं रैली के विरोध में जाट नेता भी दो धड़ों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जींद में होने वाली रैली के लिए अब 3 दिन से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में रैली से पहले सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद यशपाल मलिक गुट ने एक तरफ जहां विरोध न करने की बात कही, वहीं इस गुट से अलग हुए नेताओं ने रैली के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय किसान आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की सोनीपत में बैठक के बाद जाट नेताओं ने यशपाल मलिक पर निशाना साधा। जाट नेताओं ने यशपाल मलिक को सरकार का एजेंट और महाठग बताते हुए कहा कि यशपाल मलिक ने रैली का विरोध करने का झूठा ड्रामा रैली को फेमस करने के लिए रचा था। ये यूपी के ठगपाल ने 3 दफे हमारी कौम को भेज दिया है। अभी कल भी ऐसा ही इसने किया है और ये हमारे हरियाणा के लिए दुर्भाग्य है। इसकी रैली को कामयाब करने के लिए पहले 27 नवंबर को सरकार ने इसको मदद की थी। वहाँ पर वीरेंद्र सिंह जी आए बीजेपी के, अब उसका बदला देने के लिए और बीजेपी के अध्यक्ष की रैली को कामयाब करने के लिए इसने ये षड्यंत्र रचा था और कोई विषय नहीं था। कल हमारी मीटिंग होगी जींद के अंदर बड़ी भारी संख्या में, उसमें निर्लो ये वो सब आएंगे और वहाँ पर ये निर्णय लिया जाएगा आगे की रणनीति क्या होगी। जाट नेताओं ने अब यशपाल मलिक के साथ साथ अमित शाह की रैली का भी पुरजोर विरोध करने की बात कही। ये यशपाल मलिक सरकारी एजेंट के काम कर रहा है, कौम को बेच रहा है। इसका एक नंबर हमने दिया है जिसके ऊपर विदेशों से इसने करोड़ों रुपया मंगाया है। एक कदम आगे एक अखबार निकाला था इसने। तो अभी आगे आप लोग विरोध कैसे करेंगे? क्या अमित शाह की रैली विरोध? हाँ, कल इसका निर्णय लेंगे। हमारी बड़ी बारी कल मीटिंग है जींद में ही धर्मशाला में, वहाँ सब जाट इकट्ठे होंगे, खापे आएंगी और ये इनेलो आएगी, हम होंगे साहब और वहाँ पर इसका निर्णय लिया जाएगा आगे इसका क्या करना है। उधर इनेलो ने भी साफ कह चुके हैं कि इनेलो की युवा इकाई अमित शाह का विरोध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जितनी मेहनत अमित शाह की रैली को सफल बनाने के लिए कर रही है, अगर उतनी मेहनत एसवाईएल के मुद्दे पर की होती तो प्रदेश का किसान आज खुशहाल हो गया होता। किस तरीके से 3 साल में 3 बार व्यवस्था संभालने के लिए आपकी सरकार को मिलिट्री का उपयोग करना पड़ा और आज जो वादे हरियाणा की जनता के साथ किए थे, जिससे सबसे अहम वादा सतलुज यमुना लिंक के निर्माण का भी, आज आप लोग पूरी तौर पर उसको नकारने का काम कर रहे हैं। तो सबका एहसास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरियाणा प्रदेश में बिजवताने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ खट्टर साहब जितनी पैरामिलिट्री अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में बुला रहे, अगर इतना प्रयास अमित शाह जी के स्वागत में बुलाने की बजाय सतलुज यमुना लिंक के निर्माण के लिए अगर पंजाब की तरफ चलाने का काम करते तो शायद हरियाणा का किसान भी आज खुशहाल होता। वहीं कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि अगर विपक्ष रैली का विरोध करता है तो इससे गलत परंपरा की शुरुआत होगी। समाधान चाहते हैं तो उनके खिलाफ जरूर लोग आंदोलन करते हैं और मैं आंदोलन को जायज मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद आंदोलनकारी रहा हूँ, आंदोलन करता रहा हूँ। धरने, प्रदर्शन, पद यात्राएं आवश्यक है क्योंकि सरकार सबकी होती है और सरकार के बारे में ऐसा करना कहना कभी भी उसको अनुचित नहीं माना जाता। लेकिन पार्टी के खिलाफ कभी आंदोलन नहीं होते, ना कभी कोई करता है। और इस तरह की अगर दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज कर रहे हैं तो वो एक नया न्योता घाल रहे हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। जाट नेता भले ही अमित शाह की रैली का पुरजोर विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जाट नेताओं से हुई बातचीत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का दावा है कि अमित शाह की रैली में आने वाली सारी बाधाएं हट चुकी हैं। देखिए, जैसे मैं पहले विश्वास जता रहा था कि हमारी रैली जींद में 15 फरवरी को बहुत जबरदस्त रैली होगी और सब तरह की बाधाएं जो आज दिखाई दे रही हैं सारी इससे दूर होंगी। रैली को
थोड़ा सा बाधा डालने की कोशिश जो दिखाई दे रही थी, उसके बाद से बहुत सारी खाप पंचायतों ने भी हमारी बात का समर्थन किया था कि हरियाणा में इस प्रकार का कभी मामला हुआ नहीं है, कोई एक संगठन दूसरे संगठन के काम में कोई बाधा डाले। और ये बड़ी अच्छी बात हुई है, कल की वार्ता में जो एक आंदोलनकारी गुट था उसके साथ जो पूर्व में सहमति बनी थी सरकार के और उनके मध्य में, उस पर दोबारा बात हुई है और सभी मामलों का समाधान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये भी कहना है कि विपक्षी दलों को इस रैली में रुकावट डालने नहीं दी जाएगी। देखिए, इससे ओछी हरकत कोई हो नहीं सकती कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम को दूसरे पॉलिटिकल पार्टी उसको सहन न कर सके, अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में एक व्यवस्थाएं बनी रहनी चाहिए, प्रजातांत्रिक अधिकार सबका है कि सब अपनी अपनी बात कहने के लिए और लोगों को एकत्र करके और उनको अपनी बात कह सके। आखिर किसी भी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी के कार्यक्रम में इस प्रकार का व्यवहार नहीं डालना चाहिए, ऐसी मेरी अपील। रैली का क्या होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बीजेपी जहां इस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करके ये जताने की कोशिश करेगी कि चुनाव से पहले वो कितने पानी में है, तो वहीं विपक्ष को ये भी पता चलेगा कि वो फिलहाल कितनी मजबूत है। सियासी समीकरणों को हिलाने वाली इस रैली पर कोर्ट की भी पैनी नजर है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रैली पर दाखिल हुई याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 फरवरी तक हरियाणा सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।